भाई को कसम हमारे बाप की, तुम्हारे देश सो हाई फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई अदर वीडियो। हाजिर हूँ आप लोगों के लिए एक और तकड़ी वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो के अंदर फ्रेंड मैं आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूँ अदेला डॉट्स की तरह की कलर ग्रेडिंग का कंप्लीट ट्यूटोरियल। जैसी कलर ग्रेडिंग आपने सेम रिव्यू के अंदर देखी और जैसी आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आ रही है, सेम यही कलर ग्रेडिंग आज की इस वीडियो के अंदर फ्रेंड मैं आप लोगों को करना सिखाऊंगा, जो कि मेरे पास सबसे हाई क्वालिटी की एक्सन फाइल मौजूद है। अगर आप भी सेम यही कलर ग्रेडिंग अपनी वीडियोज पर करना चाहते हैं तो आपने इस वीडियो को कहीं से नहीं करना। और इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप में से किसी भी भाई को चाहिए एक्सन फाइल तो उसके लिए आपके पास इस वीडियो पे ओनली 250 लाइक्स का टारगेट है। जल्दी से कंप्लीट करो ताकि मैं आपको एक्सन फाइल बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कर सकूं। लेकिन आप में से किसी भी भाई को अभी तुरंत चाहिए तो आपको साइड पर मेरा व्हाट्सएप नंबर नजर आ रहा है, आप मुझे मैसेज करके एक्सन फाइल ले सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, आपको फिलहाल ये पेड मिलेगी, मैंने इसे 3 गुना ज्यादा प्राइस में ली है, लेकिन मैं आपको इंतहाई कम और लो प्राइस में ये प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आप में से किसी भी भाई ने परचेज करनी है तो मुझसे परचेज कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम बिना कोई बकवास किए अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पे नहीं हो तो हमारे चैनल को कर रहे हैं सब्सक्राइब, और अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो हमारी वीडियो को तो लाइक करना बनता है, क्योंकि आपको मेरे इस चैनल पर क्रिकेट के रिलेटेड इसी तरह की ट्रेंडिंग क्वालिटी की और हाई क्वालिटी की वीडियो देखने को मिलती रहेंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आ जाते हैं अपनी वीडियो की तरफ। हम यहाँ से आ जाते हैं एक बार बैक, आपने प्लस वाले साइन पे क्लिक करना है और यहाँ से अपनी वीडियो के मुताबिक रेशियो चूज करके क्रिएट प्रोजेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने फिर से प्लस वाले साइन पे क्लिक करके मीडिया पे आकर अपने किसी भी एक वीडियो के क्लिप को ऐड कर लेना है, जिसपे आप सेम इसी तरीके की हाई क्वालिटी की कलर ग्रेडिंग करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ से अपने एक सिंपल से क्लिप को ऐड करूंगा और उसके बाद मैं आपको इंतहाई सिंपल वे में ये वाली कलर ग्रेडिंग करना सिखाऊंगा। तो आपने फ्रेंड, सबसे जरूरी बात, ये वीडियो कहीं से स्किप नहीं करना, वरना आप सेम ये ही क्वालिटी नहीं बना पाएंगे। उसके बाद फ्रेंड्स, आपने इसके बिल्कुल स्टार्ट में चले आना इस वीडियो के। आप फिलहाल इसकी क्वालिटी देख सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। उसके बाद आपने एक शेप ऐड करनी है, इसे अपनी वीडियो के ऊपर फिल टू कंपोजिशन एरिया करके कलर एंड फिल वाले ऑप्शन पे चले आना है। इसका कलर फ्रेंड्स आपने यहां से ब्राउन रख लेना है। उसके बाद आपको जो पेन वाले आइकन के नीचे दरमियान वाली शेप पे आ जाना है, इस पे आकर आपने इसका कलर कुछ इस तरीके से डार्क ब्राउन सा कर लेना है। उसके बाद फ्रेंड्स, आपने यहां से आ जाना है बैक। बैक आने के बाद आपने यहां से इफेक्ट वाले ऑप्शन पे चले आना है, ऐड इफेक्ट करना है। उसके बाद आपने अदर वाले ऑप्शन पे आकर सबसे फास्ट में कॉपी बैकग्राउंड वाले इफेक्ट को ऐड कर लेना है। उसके बाद आपने बैक आना और फिर से इफेक्ट वाले ऑप्शन पे आना है, ऐड इफेक्ट करके आपने इस बार यहाँ से ब्लर वाले ऑप्शन पे आना है और आपने 4th नंबर पे गुचिन ब्लर को ऐड कर लेना है। उसके बाद आपने फिर से ऐड इफेक्ट करना है, इस बार आपने इसे कलर एंड लाइट वाले ऑप्शन पे आना है और यहाँ से आपने एक्सपोलर गामा वाले इफेक्ट को ऐड कर लेना है। उसके बाद आपने फिर से ऐड इफेक्ट करना है, फिर से आपने फ्रेंड्स यहाँ से कलर एंड लाइट वाले ऑप्शन पे आना है और थोड़ा सा नीचे की तरफ आकर आपने सैचुरेशन एंड वाइब्रेंस वाले इफेक्ट को भी ऐड कर लेना है। उसके बाद आपने 3rd नंबर वाले इफेक्ट को ओपन करना है, एक्सपोलर गामा को, और आपने यहाँ से एक्सपोलर के स्ट्रेंथ को माइनस करके -85 के अराउंड में एडजस्ट कर देना है। तो इतना करने के बाद फ्रेंड्स, आपने सिंपली यहाँ से बैक चले आना है। बैक आने के बाद आपने फिर से इफेक्ट वाले ऑप्शन पे चले आना है और उसके बाद आपने यहाँ से सैचुरेशन एंड वाइब्रेंस वाले इफेक्ट को ओपन करना है और आपने इसे सैचुरेशन के स्ट्रेंथ को -16 के राउंड में एडजस्ट कर देना है। उसके बाद आपने ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी पे आकर डिफरेंस पे आना और इसे सब्ट्रैक्ट कर देना है। उसके बाद आपने फिर से इसके स्टार्ट में आकर एक और शेप ऐड करनी है, इसे भी अपनी वीडियो के ऊपर फिल टू कंपोजिशन एरिया कर लेना है। उसके बाद आपने कलर एंड फिल पे आना है, इसका कलर व्हाइट रखना है। उसके बाद आपने फिर से ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी पे जाकर कंट्रास्ट पे जाना है और इसे ओवरले कर देना है। उसके बाद फ्रेंड्स, आपने फिर से प्लस वाले साइन पे क्लिक करना है और एक और ट्राइंगल शेप ऐड करनी है, इसे भी आपने अपनी वीडियो के ऊपर फिल टू कंपोजिशन एरिया कर लेना है। उसके बाद फ्रेंड्स, आपने कलर एंड फिल पे आना है, इसका कलर आपने इस बार यहाँ से ब्लैक रख लेना है। उसके बाद फ्रेंड्स, आपने ऊपर जो दरमियान वाली शेप नजर आ रही है व्हाइट कलर की, आपने इस शेप पे क्लिक करना है। और उसके बाद फ्रेंड्स, आपको जो सबसे लास्ट पे एक शेप नजर आ रही है ब्लैक कलर की, आपने इस पे क्लिक करके इसे व्हाइट कर देना है। और उसके बाद आपको जो राइट साइड पे नजर आ रही है व्हाइट वाली, आपने इस पे क्लिक करके इसे ब्लैक कर देना है। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको जो ऊपर दरमियान में एक लाइन नजर आ रही है, आपने इस लाइन को इस तरीके से दरमियान में लेकर आना है एक बार, और उसके बाद आपने इस ब्लैक वाली को इस तरीके से नीचे एडजस्ट कर लेना है और ऊपर वाले आपने सर्कल को इस तरीके से दरमियान में एडजस्ट कर लेना है। आप सेम यही एडजस्टमेंट देख लें, आपने सेम यही एडजस्टमेंट अपनी वीडियो की कर लेनी है। उसके बाद फ्रेंड्स, आपने सिंपली यहाँ से बैक चले आना है। बैक आने के बाद फ्रेंड्स, आपने यहाँ से ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी वाले ऑप्शन पर फिर से चले आना है।
तो मैं यहाँ से आ जाता हूँ बैक, आप सेम यही एडजस्टमेंट करना ताकि आपकी कलर ग्रेडिंग सेम टू सेम बन सके। तो ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी वाले ऑप्शन पे आना है, उसके बाद आपने लाइटन पे आना है और यहाँ से आपने कलर डोज वाले ऑप्शन पे क्लिक करके और ऊपर से आपने इसकी ओपेसिटी को इस तरीके से कम कर देना है, आप इसे 30 के अराउंड में एडजस्ट कर लेना है। उसके बाद आपने यहाँ से बैक आ जाना है, आप देख सकते हैं हमारी वीडियो पर कलर ग्रेडिंग होना स्टार्ट हो चुकी है। उसके बाद आपने एक और शेप ऐड करनी है, उसके बाद आपने इसे भी फिल टू कंपोजिशन एरिया कर देना है। उसके बाद आपने कलर एंड फिल पे आना और इसका कलर यहाँ से ब्लू रख लेना है। उसके बाद फ्रेंड्स आपने यहाँ से बैक आकर फिर से इफेक्ट वाले ऑप्शन पे चले आना है, ऐड इफेक्ट करना है और उसके बाद आपने फिर से सबसे फास्ट में कॉपी बैकग्राउंड वाले इफेक्ट को ऐड कर लेना है। उसके बाद आपने फिर से बैक आकर इफेक्ट वाले ऑप्शन पे आना है, इस बार आपने यहाँ से सैचुरेशन एंड वाइब्रेंस वाले इफेक्ट को भी ऐड कर लेना है। अगर आपको ना मिले तो आप ऊपर सर्च बार में जाकर सर्च कर सकते हैं। उसके बाद आपने सेकंड वाले को ओपन करना है, उसके बाद आपने सैचुरेशन की स्ट्रेंथ को कुछ भी नहीं कहना, सिंपली आपने वाइब्रेंस की स्ट्रेंथ को 1.54 के अराउंड में एडजस्ट कर लेना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स हमारी कलर ग्रेडिंग हो चुकी है सेम टू सेम प्रीव्यू की तरह, लेकिन अभी हमने एक व्हाइट शेप ऐड करनी है जो आपने सेम प्रीव्यू के अंदर देखी थी। तो उसके लिए आपने फिर से प्लस वाले साइन पे क्लिक करना है और एक सर्कल ऐड कर लेना है और उसके बाद आपने इसे दोनों साइडों से पकड़ के इस तरीके से जूम कर लेना है और आप इसका साइज अपनी मर्जी से एडजस्ट कर लेना जैसा आपको अच्छा लगे। उसके बाद आपने सेम इसी शक्ल की शेप बना लेनी है जैसे आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आ रही है। उसके बाद आपने इसे दरमियान में ला के इस तरीके से एडजस्ट कर लेना है ताकि ये व्हाइट कलर आपके प्लेयर्स के ऊपर अच्छे से एडजस्ट हो सके। उसके बाद आपने कलर एंड फिल पे आना, इसका कलर व्हाइट रख लेना है। उसके बाद फ्रेंड्स आपने ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी वाले ऑप्शन पे जाना, लाइटन पे जाकर इसे स्क्रीन कर देना है। उसके बाद फ्रेंड्स आपने यहाँ से आना है बैक, बैक आने के बाद आपने एक इफेक्ट ऐड करना है इस पे, तो मैं यहाँ से बैक आ जाता हूँ, आप इसकी ओपेसिटी को इस तरीके से 30 के अराउंड में एडजस्ट कर लेना। उसके बाद आपने बैक आना है और फिर आपने इफेक्ट वाले ऑप्शन पे चले आना है, तो मैं यहाँ से बैक आकर इफेक्ट वाले ऑप्शन पे आता हूँ, ऐड इफेक्ट करना है। उसके बाद आपने ब्लर वाले ऑप्शन पे जाकर गोचियन ब्लर वाले इफेक्ट को ऐड करना है और आपने इसकी स्ट्रेंथ को फुल इंक्रीज कर देना है 2 पॉइंट तक। तो इतना करने के बाद फ्रेंड्स आपकी वीडियो पे ये व्हाइट कलर ऐड हो जाएगा जैसा आपको आपकी स्क्रीन पे देखने को मिल रहा है, सेम यही कलर ग्रेडिंग आपकी वीडियो पे बन जाएगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स हमारी वीडियो सेम टू सेम अदीला रेडर्स की तरह की बन चुकी है जैसे मैंने आपको सेम प्रीव्यू के अंदर दिखाई थी। तो उसके बाद आपने इसे जाकर विंक एप्लीकेशन से एक बार गुजार लेना है ताकि आपकी वीडियो की क्वालिटी फुल इंक्रीज हो जाए। तो आप यहाँ पे बिफोर और आफ्टर वाली कलर ग्रेडिंग देख सकते हैं, सेम टू सेम प्रीव्यू की तरह बन चुकी है। तो अगर आपको ये एक्सएमएल फाइल चाहिए तो आपको मेरा साइट पे व्हाट्सएप नंबर नजर आ रहा है, तो आप जल्दी से व्हाट्सएप पे आ जाए ताकि मैं आपको बहुत ही लो प्राइस के अंदर ये एक्सएमएल फाइल प्रोवाइड कर सकूँ। तो ये थी फ्रेंड मेरी आज की एक छोटी सी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो हमारी वीडियो को कर दें लाइक और अगर आप हमारे चैनल पे नहीं तो हमारे चैनल को भी ऐसे सब्सक्राइब कर लेना।